वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के लिए पंजाब पुलिस की जॉब्स की अपडेट लेके आए हैं। तो अगर आप लोग इन जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं और इसके अबाउट तमाम डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो को कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाले हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से कौन कौन सी असामी अनाउंस की गई हैं और उन असामियों पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो पंजाब पुलिस की जानिब से जो असामियां अनाउंस की गई हैं उन असामियों पे अप्लाई करने के लिए जो मतलूबा क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, मिडिल है, प्राइमरी है और इसके अलावा इसमें अनपढ़ अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन असामियों पे अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 19 मार्च है और इसमें जो असामियां अनाउंस की गई हैं वो तकरीबन 300 से अबव हैं, ठीक है। और इन असामियों पर मेल फीमेल जो है पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन भी इन असामियों पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वीकेंड पोजीशन अवेलेबल हैं जिन असामियों पे भर्ती का ऐलान किया गया है उसमें असिस्टेंट K9 है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, K9 हैंडलर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर सर्विलेंस सेक्शन है, सीनियर K9 है और स्वीपर है, ठीक है। इन असामियों पे भर्ती का ऐलान किया गया है और इन असामियों पे जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो आप लोगों ने पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। उस वेबसाइट के लिंक सामने आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आप लोग हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक ओपन करें, यहां से अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। उस डाउनलोड करने के बाद उसको आप लोगों ने प्रिंट कर लेना है, उसके बाद उसे हैंड रिटन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करनी है और 3 आप लोगों ने रीसेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच करने हैं और अपने करीबी रीजनल ऑफिस में जो है आप लोगों ने वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भी, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स भी और 500 जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी आप लोगों ने अपने करीबी रीजनल ऑफिस में सबमिट करवा देनी है। और सबमिशन जो है वो 5 मार्च से स्टार्ट होगी और 19 मार्च तक जो है आप लोग अपने दरख्वास्त फॉर्म रीजनल ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। और कौन से रीजनल ऑफिस में आप लोग अपने एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं वो आगे चलकर हम एडवर्टाइजमेंट में मुकम्मल तफसील से डिस्कस करते हैं। और पंजाब पुलिस के जिन सेक्शन में ये भर्ती की जा रही है उसमें एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन है, सर्विलेंस सेक्शन है और K9 सेक्शन है। और इन भर्तियों में जो कोटा रखा गया है उसमें 15% कोटा वुमेन के लिए है, 5% कोटा मिनोरिटी के लिए है और 3% कोटा जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए। और अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो 18 से 40 है। अप्लाई करने के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका रिटर्न टेस्ट लाहौर में होगा और टेस्ट कौन से वेन्यू पे होगा और किस डेट और टाइम होगा वो आप लोगों को पंजाब पुलिस की जानिब से SMS के थ्रू इतला दे दी जाएगी, ठीक है। और रिटर्न टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो इंटरव्यू में से भी पास हो जाएंगे उनका लास्ट में उनका साइकोलॉजी टेस्ट होगा और साइकोलॉजी टेस्ट के बाद आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होगी। और ये पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच जानिब से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप लोग सारी डिटेल देख सकते हैं। वैसे तो हम तमाम डिटेल आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट से तमाम डिटेल बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट लाजमी शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो और हमारी वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि कौन कौन से रीजनल ऑफिस में जो आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये सामने आप लोग वीडियो में देख रहे हैं रीजनल ऑफिस की लिस्ट है तो आप लोग अपने करीब तरीन रीजनल ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये सामने आप लोग पढ़ सकते हैं रावलपिंडी रीजनल ऑफिस है, सरगोधा है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, लाहौर है, साहिवाल है, मुल्तान है, बहावलपुर है, DG खान है, ठीक है। ये पंजाब की तमाम जो पुलिस की पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांचेज हैं उनके एड्रेस भी सामने आप लोग देख रहे हैं और उसके अलावा फोन नंबर भी उनका आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोग का जो टेस्ट का जो सिलेबस होगा, रिटन टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो भी हम आप लोग के साथ पूरी तरह से डिस्कस करते हैं।
ये सामने आप लोग अपना टेस्ट सिलेबस देख रहे हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से आपके इस्लामियात, पाक स्टडीज और जनरल नॉलेज है वो 25 मार्क्स का होगा, उर्दू 12 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 13 मार्क्स की होगी और टेक्निकल जो आपका पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आप लोगों ने जो है 40 नंबर लाजमी लेने हैं, ठीक है, और पेपर पैटर्न जो होगा वो एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, एमसीक्यूज भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होगा। तो आप लोगों ने इसी लिहाज से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप लोग इन असामियों पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी से लाजमी फायदा उठाएं। शुक्रिया।